Hi guys, good evening. This is Pooja. Welcome back to my channel and welcome to a new vlog. मैं एक शूट की प्रिपरेशन करती हूँ जो कि होगा हमारा डिनर भी. दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ नवरात्रि रेसिपी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है. सो आप फटाफट जाइए और कल वाला व्लॉग देखिए अगर आपने मिस कर दिया है तो. और मैं जाती हूँ किचन में शूट की प्रिपरेशंस करने. तो दोस्तों यहाँ सेटअप हो चुका है. सेटअप आपको ऐसे दिख रहा है क्योंकि ये लैंडस्केप मोड में है, जबकि रील मैं पोर्ट्रेट मोड पे शूट करूँगी तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ ये दिखेगा, ये आजू बाजू का कुछ भी नहीं दिखेगा. तो आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ है. मैं आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स है कौन से. ये है बॉइल्ड पोटैटो, इसमें है कुट्टू का आटा, इसमें है भुनी हुई मूंगफली जो कि मैंने दरदरी पीस ली है, इसमें है हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक और वो क्या कहते हैं, हाँ, भुना हुआ जीरे का पाउडर, सॉरी. और इसमें है ग्रेटेड पनीर एंड यहाँ पे है मखाना और इसमें डाला हुआ है घी. सो आज बन रहा है, ये अगेन एक फलहारी स्नैक है, नवरात्रि स्पेशल रेसिपी. एंड आज बन रहा है पनीर मखाना बॉल्स या कटलेट कह लो, मैं कटलेट का शेप दूंगी सो आई विल कॉल इट एज पनीर मखाना कटलेट. और आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको तवे पे भूनना चाहते हो, आई मीन रोस्ट करना चाहते हो, या दैट इज शैलो फ्राई और डीप फ्राई और एयर फ्रायर. मैं दोनों ही मेथड से दिखाऊंगी तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं शूट. अब ये घी हल्का सा गर्म होते ही इसमें मैं डालूंगी मखाने, और मखाने को थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे जब तक वो क्रिस्प ना हो जाए, और उसको पीस लेंगे. हमें चाहिए मखाने का फाइन पाउडर, दरदरा भी नहीं, बिल्कुल फाइन पाउडर करना है मखाने को. तो मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं, आप सुन सकते हैं आवाज़. अब ये ठंडे होते ही हम इसका पाउडर बना लेंगे. मखाने का पाउडर हमारा रेडी हो चुका है. देखिए कितने सारे मखाने डाले थे और पाउडर देखिए कितना सा निकला है. अब बस फ्रेंड्स मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करने हैं, और फिर हम अपने कटलेट्स का शेप देंगे एंड देन वी विल फ्राई देम, ईदर डीप फ्राई और एयर फ्राई. सो एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट कर दिया है एंड नाउ आई एम जस्ट ग्रीसिंग द पार्चमेंट पेपर विच आई हैव स्प्रेड ऑन इट ऑन द एयर फ्रायर. एंड इस पर एक एक करके कटलेट रख दूंगी, उन पे भी ऊपर घी लगा दूंगी. आप घी तेल कुछ भी लगा सकते हैं बट घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं. एंड देन आई विल एयर फ्राई इट फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स. तो फ्रेंड्स ये वो है जो मैंने डीप फ्राई किया है, सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए, और बाकी एयर फ्रायर में रखे हैं जैसा कि आपने देखा. हाउ टेम्पटिंग इट्स लुकिंग राइट. अब मैं फटाफट से चटनी बना लेती हूँ. तो ये है चटनी, मेरी बेसिक सिंपल सी चटनी होती है. इसमें डाला है हरा धनिया, पीनट्स, मिर्ची, नमक और फाइनली अभी नींबू. जो फास्ट करते हैं वो सेंधा नमक डाल लें. तो गाइज ये हैं, और जैसा कि आपने देखा जब मैं रख रही थी, सच सच बताना कि आप बता पा रहे थे कि आप
डिफरेंस देख पा रहे थे कि कौन सा डीप फ्राइड है और कौन सा एयर फ्राइड. आप देख सकते हैं सबका इवन कलर आया है. देयर इज नो डिफरेंस. गाइस दे लुक रियली टेस्टी. दे लुक नाइस. हां मैंने अभी तक चटनी डाली है एंड आई एम लाइक पेट भर गया. ओके आई विल गिव यू. सो हेल्दी और झटपट बनने वाला स्नैक कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो, लंच आप कभी भी खा सकते हैं व्रत में तो. और अदरवाइज ऑल्सो घर पे गेट टुगेदर है, फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर, या ऐसे ही कोई अच्छा हेल्दी स्नैक खाने का मन कर रहा है ब्रेकफास्ट में, कभी भी बना सकते हैं आप. दे आर वेरी वेरी हेल्दी, ग्लूटेन फ्री. और अगर आप बिना व्रत के बना रहे हैं तो यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ मसालाज. आप चाट मसाला, अमचूर, लाल मिर्च और ये सब ऐड कर सकते हैं. बिकॉज मुझे ये व्रत रेसिपी दिखानी थी, मैंने इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डाले हैं, बट आप डाल सकते हैं अगर आप ये बिना व्रत के बनाते हैं तो. अगर मैं बिना व्रत के बनाऊंगी तो ऑफकोर्स मैं भी इसमें मसाले डालूंगी, बट आज तो ये ऐसे ही प्लेन वाले हैं और बहुत यम्मी बने हैं. अब धीर खा के बताएगा. हाँ सो नेक्स्ट नंबर है पूजा जैन का. आप थोड़ा इस पे एक्सप्लेन कीजिए. पूजा विपुल का तो ये है हेल्दी नवरात्रि के फलहार. नवरात्रों में खाए जाने वाली फलहारी फूड यानी कि फलहारी स्नैक्स जो कि ग्लूटेन फ्री होता है, जिसमें अन्न नहीं होता, फलहार से बनता है. इसमें है बकवीट फ्लावर विच इज़ कुट्टू का आटा. Yes. पनीर. मुझे पता तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चुपचाप खा के बता कैसा बना है. हाँ बन गया, बस इतना ही अब था. आती है टेस्टिंग की बारी. ए शेफ पहले स्मेल करते हैं. धीर तू भूल गया. चल कोई नहीं. सच बोल. सीरियसली नाइस. इसमें नमक भी है. नमक के बिना कैसे बनेगा धीर. मसाले नहीं है क्योंकि नवरात्रि रेसिपीज, बट नमक तो डालेंगे ही बेटा. हाँ पीनट का अच्छा फ्लेवर आ रहा है ना. मुझे भी पीनट फ्लेवर बहुत अच्छा लगा. So do try this recipe and share your pictures on my Instagram page, guys. And do like, share, comment and subscribe if you like my videos. And follow me on Instagram for all the latest updates. So see you tomorrow on a new day with a new vlog. Until then, take care. Bye-bye.